Hey guys, what's up? कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ कार फॉर सेल सिम्युलेटर। तो आज हम लोग दोबारा से खेल रहे हैं सेम वाला गेम। आज नेक्स्ट एपिसोड आ चुका है। तो कल वाले एपिसोड में हम लोगों ने आप सबको दिखाया था कि हम लोगों के पास कितना ज्यादा गाड़ी है। तो आज हम वो सभी गाड़ियों को बेचने वाले हैं बहुत ही बढ़िया दाम पे, जिससे हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगी। और मेरे पास बिल भी आया हुआ है। फिलहाल तो कुछ गाड़ी है, दो तीन गाड़ी बिक चुका था, तो उसके लिए हमारे पास तो पहले जो पैसा एकदम भी नहीं था, तो अभी 260,000 डॉलर्स के आसपास है। और आज ऑक्शन हाउस भी बंद है और कार मार्केट भी बंद है। तो चलिए चलते हैं, एक बार नेबरहुड से घूम के आते हैं और देखते हैं कि नेबरहुड में कुछ अच्छा गाड़ी फॉर्चुनेटली मिल सकता है कि नहीं। मेरे ख्याल से मिल जाएगा। ये ना थोड़ा चेंजेस हुआ है मैप में। मैप और ज़्यादा बड़ा साइज का हो गया है शायद से। अभी हम लोग यहाँ पर ना घर भी खरीद सकते हैं, पता नहीं, देखते हैं। नहीं, हम लोग इसके सामने तो नहीं आ सकते, पर हाँ, पहले ना अपने शोरूम से नेबरहुड आने में बहुत कम टाइम लगता था, अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मतलब गेम में कुछ अपडेट तो आया हुआ है जिसके वजह से गाड़ियाँ ज़्यादा चमक रही है और नेबरहुड का मेरे गराज से डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। तो एक यहाँ पर देखो यार, रात में मैंने ये ना पहले देखा नहीं कि रात में ये पुलिस स्टेशन का पुलिस लिखा हुआ हिस्सा चमकता है इतना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या हुआ। यार ये देखो, जुगनू जुगनू ऐड हुआ। यार देखो कि कीड़े भी उड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। इस गेम में अपडेट आया हुआ है, इसका मतलब और भी कुछ अपडेट होंगे। तो पहले ना रात में क्या क्या अपडेट हुआ है वो देख लेते हैं, उसके बाद जाएंगे दिन वाला अपडेट देखने के लिए। तो आज हम लोग यहीं से निकल जाते हैं, अपने कार वैन तो करीब ही है। तो फिलहाल एक और राउंड मारेंगे जहाँ पर हम देखेंगे और क्या क्या अपडेट हुआ है हमारे कार वैन में। कुछ अपडेट नहीं यार, यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है, नॉर्मल वैसा ही है जैसा था वैसा ही है। फिलहाल एक चीज़ मैं नोटिस कर पा रहा हूँ जो कि पहले गाड़ी के अंदर बैठ के चलाने में जो दिक्कत होती थी, मतलब वो जो एक हेजी व्यू आता था वो क्लियर व्यू हो गया है। तो ठीक है, चलो ऑक्शन हाउस के आसपास आके देखते हैं कुछ है तो। नहीं, ऑक्शन हाउस के आसपास कुछ नहीं है। गाड़ी कितना चमक रहा है यार, देखो ये वाला गाड़ी देखो मैट है और ये वाला गाड़ी कितना ज़्यादा चमक रहा है। तो ठीक है, चलो बाहर से ही चलाते हैं। और ग्राफिक्स तो बहुत एडवांस किया है इन लोगों ने, ग्राफिक्स के ऊपर काम हुआ है। और हाँ, देखते हैं यहाँ पर ना बहुत सारा अपडेट्स आने वाले थे क्योंकि कमिंग सून लिखा हुआ था इस बंदे के ऊपर। देखते हैं इस बंदे का कुछ अनलॉक हुआ है। नहीं यार, ये कमिंग सून ही लिखा हुआ दिखा रहा है नॉर्मल। एक सेकेंड, टैबलेट और हैमर तो हम लोगों के पास है ही, यहाँ से और कुछ ले नहीं सकते। तो ठीक है, हम लोग ये वाला गाड़ी, ये सब पता नहीं क्या होगा, पर अपडेट जो भी हुआ है बाइक ऑफिस सेम ही है और कुछ अपडेट यहाँ पर खास दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं फिलहाल। वाह, क्या आवाज हुई यार, क्या पटाखे मारे। ओके 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 ओके, पेट्रोल पंप भी वैसा ही है, वॉशिंग स्टेशन और पेट्रोल पंप एक साथ ही है। नॉर्मली इधर का रास्ता मुझे लग रहा है कि एक ही जैसा है, पर दूसरे तरफ का रास्ता मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है। ये देखो, ये वाला कर्व लेते ही यहाँ पर ये घर नहीं आता था पहले, ये वाला कर्व लेते यहाँ पर ना ऑक्शन हाउस आ जाता था, मतलब कार मार्केट आ जाता था। पर अभी कार मार्केट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मैप एक्सटेंड हुआ है। देखो इतना दूर से आ रहा है, या फिर मेरे को ही कोई गलती हो रही है, पता नहीं। चलो चलते हैं अभी। मेरे ख्याल से ना दो घर वहाँ पर ऐड हुए हैं, या फिर एक घर, यहाँ पर तो एक घर है और एक घर ऐड हुआ है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग फिलहाल तो चलते हैं अपने कार वैन पे जाके सो जाते हैं। गाड़ी कर दिया हम लोगों ने पार्क और यहाँ से वो ग्लिच तो भी है शायद से बाहर से सोने वाला। तो आज हम लोग सो जाते हैं और वेट करते हैं अगला दिन क्या मज़ेदार चीज़ लेके आने वाले हमारे लिए। लेकिन अगला दिन के लिए तो हम लोगों के पास प्लान ऑलरेडी है, क्योंकि अभी हम लोग को जाना है जाके ऑक्शन हाउस अटेंड करने के लिए। हमारे पास टाइम है अभी बहुत ज़्यादा, 2 बजे तक टाइम है। अभी इस गाड़ी को इतना चमकदार उन्होंने बनाया, मैं भी थोड़ा चमका लेता हूँ गाड़ी को, चमका के हम लोग चलते हैं अपने कार शोरूम पे। कार शोरूम पे जाने के बाद हम लोग शोरूम ओपन करेंगे और सारा गाड़ी बेचने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से पूरा का पूरा गाड़ी बिक जाएगा सिवाय 3 गाड़ी के, ये वाला जो इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है मेरे, वो वाला निसान GTR जो कि मेरा पसंदीदा गाड़ी है, और मेरा क्रश जो है मर्सिडीज कूप। तो इन तीनों गाड़ियों को छोड़ के हम सभी गाड़ियों को आज सेल पे सेल करने वाले हैं, मतलब सेल पे तो लगा दिया है, सिर्फ उन लोगों का लेके जाना बाकी है और मेरा पैसा लेना बाकी है।
अच्छा एक सेकेंड रुकते हैं यहाँ पर, ये वाला गाड़ी फास्ट होने वाला है मेरे ख्याल से। नहीं यार वेट ज़्यादा पैसे का वेट नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको जाने देते हैं। मेरा बंदा अभी तक बहुत सारा गाड़ी साफ कर लिया होगा, तो चलते हैं, चल के देखते हैं मेरा बंदा क्या कर रहा है। तो ठीक है चलो, हम लोग आ चुके हैं अभी यहाँ पर, और मेरा देखते हैं स्किल पॉइंट अनलॉक हुआ है कि नहीं, क्योंकि ऐसे ही गाड़ी साफ करने में बहुत टाइम जा रहा है। नहीं यार, स्किल पॉइंट साफ होने ओपन होने में बहुत ज़्यादा टाइम है अभी भी। तो ठीक है चलो, इसको थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं इसकी, ताकि थोड़ा जल्दी गाड़ी साफ़ हो जाए। तो देखो वो भी कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, तो गाड़ी जल्दी जल्दी साफ़ हो रहा है। तो उसने टेस्ला कर दिया, ये भी मेरे को हेल्प कर दिया। मस्टैंग को हम हाथ लगा देते हैं, तब तक देखते हैं जितना जल्दी साफ हो जाए। शोरूम ओपन होगा, और शोरूम ओपन होने के बाद पैसा आना स्टार्ट होगा, मतलब गाड़ी बिकनी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए बाकी का साफ सफाई कस्टमर आते आते वो मेरा बंदा ही कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिलहाल चलते हैं शोरूम को ओपन करने, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी गाड़ी का साफ सफाई कंप्लीट हो चुका है। ठीक है चलो, ओपन करते ना करते ही कस्टमर आना स्टार्ट हो गया है। तो अभी देखते हैं, दो ही कस्टमर आए हुए हैं, इन दोनों को कौन सा वाला गाड़ी चाहिए। ओहो देखो यार कितना कस्टमर आ रहे हैं एक साथ। तो इसको शायद से चाहिए ऑडी टीटी, मेरे ख्याल से हाँ इसको ऑडी टीटी चाहिए। बोलो चार यार, ऑडी टीटी का ना थोड़ा ज़्यादा दाम दे दिया मैंने इतना दाम में तो कभी नहीं जाएगा, 36,000। ओके इसको हम लोग प्राइस बोलेंगे, बार्गेन करेंगे इसके साथ, 50,000। ऑडी टीटी का सच में दाम कम ही होने वाला है। नहीं, इतना 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 में नहीं लेगा, ठीक है 50,000 नहीं लेगा, 48,000 में देखते हैं क्या होता है। नहीं ये नहीं लेने वाला इतना में, इसको डोंट सेल करते हैं, बाकी कस्टमर्स को अटेंड करते हैं, देखते हैं। ये वाला गाड़ी आराम से चला जाएगा ऑलमोस्ट 8 लाख 9 लाख में, तो मैंने 12 लाख दाम दिया है, ये कितने में लेगा। ओके ये 8 लाख बोल रहा है, ये आराम से 10 लाख में निकल जाएगा, 10,05,000। देखिए देखते हैं क्या हुआ, यहाँ पर दिखा रहे हैं वहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। ओके हो गया ठीक है, 10,05,000 बोले हम लोग, नहीं यार 8,000 में रहे हुए हैं। तो इसको ना एक काम करते हैं, 9,90,000 का ऑफर करते हैं, देखते हैं क्या करता है, मेरे ख्याल से ले लेगा। नहीं यार ये 8,000 से ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है एक काम करते हैं, इसको ना 9 लाख ही दाम देते हैं। चलो इसको 9 लाख दाम दे दिए, अरे गलती कर दी, इसको 9 लाख नहीं देना था, पर सफ़ेद वाला को भी देखना था, सफ़ेद वाला शायद से थोड़ा ज़्यादा दाम दे सकता था। ठीक है इसको चाहिए मस्टैंग, मस्टैंग का कितना दाम रखा है मैंने, 1,12,000। देखते हैं ये कितना में लेते, 98,000 बोला है, तो हम लोग इसको आराम से 1,05,000 में चिपका सकते हैं, 1,05,000। देखते हैं ले लेगा शायद से, ओके चलो ले लिया। अभी अभी हम लोग के पास पैसा नहीं था, अभी हो गए 12 लाख डॉलर्स। तो पोर्शे का दाम ये कितना बोल रहा है देखते हैं, पोर्शे का ये दाम बोल रहा है 7 लाख। ओके 7 लाख हमने दिया है, 12 लाख हम इसको चिपकाने की कोशिश करेंगे 10 लाख में, देखते हैं क्या बोलता है। नहीं ये थोड़ा घिच घिच कर रहा है। ठीक है ये कौन सा वाला गाड़ी देख रहे हैं, पोर्शे लेना चाह रहे हैं, 9 लाख। ठीक है इसको 10 लाख में चिपकाने की कोशिश करते हैं, चलो देखते हैं ये शायद से ले लेगा मेरे ख्याल से। ओके चलो 10 लाख ले लिया आराम से, और पैसे हो गए हम लोगों के पास, ऐसा ही तो चाहिए, पैसा चाहिए पैसा पैसा, कुछ भी हो यार पैसा चाहिए। बहुत सारा कस्टमर घूम के जा रहा है, इसको क्या चाहिए, टेस्ला। ओके टेस्ला M3 Model 3 चाहिए इसको, 1,05,000 में मैंने बोला है, इसने लेने की ठान ली है। चलो और एक गाड़ी बिक गई हम लोगों की, तो हमारे पास और ज़्यादा पैसा आ चुका है। तो ये देखते हैं कौन सा वाला गाड़ी बोल रहा है, ये फोर्ड का गाड़ी बोल रहा है, 34,000 के दिया है, 29,000 बोल रहा है। यार 34 29 क्या कर रहे हो यार, एक काम करो बार्गेन करते हैं तुम्हारे साथ, 32,000 दे दो, देखे लेके जाओ अपना गाड़ी, खुद की गाड़ी होनी भी ज़रूरी है। ओके चलो इसको मिल गया इसकी ड्रीम कार, अभी बहुत सारी गाड़ी बेचना बाकी है, उस तरफ भी देख के आते हैं। इसने बोला है कि मर्सिडीज कूप लेगा, तो मेरा पसंदीदा गाड़ी, वन ऑफ माई फेवरेट कार, तो ये 1,12,000 में ले रहा है, मतलब मर्सिडीज कूप थोड़ा ज़्यादा पैसे में बिक सकता है। हालांकि हम लोग जो पैसा लगाए हैं, मतलब जो रेट लगाए हैं उसके हिसाब से ये तो अच्छा, अरे यार ये बहुत कम दे रहा है, 3 लाख 4 लाख के करीब दे रहा है, मैंने तो 6 लाख दाम दिया। नहीं अभी ये गाड़ी नहीं बेचते हैं, बाद में देख लेंगे, तुम वेट करते रहो, वेट करते करते बुढ़ा हो जाओ, मेरे को फर्क नहीं पैंदा। ठीक है अभी देखते हैं, ये वाला गाड़ी 4 लाख का हमने रखा है, ये ज़्यादा, 1,36,000 यार। तुम बोलो का कौन सा वाला गाड़ी चाहिए तुमको, 44,000
4 लाख का गाड़ी फॉर 3,000, ओके इसको बोलते हैं 50,000, और ये आरआर 50,000 में ही जाएगा। हाँ 50,000 में ही जाएगा, क्योंकि ये गाड़ी उतना ज़्यादा पैसा देता नहीं है, मतलब ये कन्वर्टेड कार है, कन्वर्टेबल कार है, पर उतना महंगा नहीं है। तो ठीक है, ये वाला देखते हैं, 89,999 दिया मैंने, सेम प्राइस में बिक रहा है डॉज चार्जर। यार डॉज चार्जर का और थोड़ा ज़्यादा प्राइस रखना चाहिए था हमें। तो देखते हैं आज ये सभी गाड़ियों को बेच के हमारे पास क्या 50 से 60 लाख डॉलर्स हो सकते हैं, मतलब 5 to 6 मिलियन हो सकते हैं। 3 लाख 5, और टी एस 6, ओके इसको दे रहा है, ये दे रहा है 1,61,000, नहीं इसको ना 2 लाख करो तुम, इतना कम में ऐसा गाड़ी नहीं मिल सकता यार, सोच लो 2 लाख करो नहीं तो भागो। तो आप कितना बोल रहे हो? उसने बोला 1,60,000 के आसपास, और ये बोल रहा है 1,33,000। नहीं यार बाद में देखेंगे तुम लोगों को, फिलहाल तो इस अंकल को देखते हैं। उस तरफ जो भी बंदे आते हैं ना ज़्यादा प्राइस नहीं देते, तो ये देखते हैं 93,000। यार खरीदे कितने समय थे हम तो भूल ही गए। ये वाला गाड़ी चाहिए, ये भी अच्छा गाड़ी है, चला के मज़ा आएगा तुमको, मेरे पास भी है, मैं भी यूज़ करता हूँ यार। 1,19,92 लाख के आसपास दाम दिए थे हमने, इसके साथ बार्गेन करते हैं 1,30,000, ठीक है पसंद आया। अरे यार इसमें 1,30,000 बोले थे हम, 1,30,000 का मतलब ये नहीं है, 94 के ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है 1,20,000 दे दो लेके जाओ, नहीं 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 लेना है तो मत लो, डोंट सेल। आप बोलो, तुम बोलो, आप बोलिए, जो भी हो यार कोई दिक्कत की बात नहीं। 1,75,000 उसने तो ज़्यादा बोला था, उसको ना कर दिया मैंने, ठीक है देखते हैं आप कितना बोलते हो। 1,03,000, ओके ये बहुत प्यारा दाम बोला है, तो इसको ना 10,000 बोलते हैं, 1,10,000 डॉलर्स, देखते हैं ये क्या बोलता है, मेरे ख्याल से ये ले लेगा। ओके ले लिया, बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर और कोई कस्टमर है क्या? इस तरफ एक है, मस्टैंग लेने आया है, 1,02,000 का गाड़ी है, ये सेम प्राइस में ले लेगा मेरे ख्याल से। नहीं यार इसका भी नकरा है, बार्गेन करते हैं इसके साथ 1,00,000 डॉलर्स बोलते हैं इसको, लेगा तो लेगा नहीं तो डोंट सेल कर देंगे। ओके चलो ले लिया, कि कितना कम करे यार, सेल लगा पड़ा है गाड़ी का यहाँ पर। चलो तुमको टेस्ला चाहिए, टेस्ला कितने में चाहिए? 1,18,000 का टेस्ला है, क्योंकि ये महंगा खरीदा था मैंने, 1,02,000, ठीक है हम बार्गेन करेंगे तुम्हारे साथ, बार्गेन कर सकते हैं, 1,10,000 बोलते हैं तुमको, देखते हैं कितना बोलते हो तुम, ले लो। ओके गुड जॉब ब्रो, यार ऐसा ही तो कस्टमर चाहिए, जितना बोले उतना में गाड़ी ले ले, बहुत बढ़िया। अभी ये वाला गाड़ी कितने में ले रही है? 1,40,000, भाग जाओ, नहीं चाहिए ऐसा कस्टमर। तुमको क्या चाहिए? BMW N9 N2, ओके BMW M2 N2, सॉरी N2, 1,00,000 बोले हैं हम, ये बोल रहा है 62,000 हम, ठीक है इसको ना 80 बोलते हैं, 80,000 में देखते, ये नहीं लेगा 80,000 में, नहीं लेने वाला। हाँ यार बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, तो 78,000 में देखते हैं। नहीं यार तो एक काम करो तुम घर जाओ, तुमको गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। तुमको क्या चाहिए? विंटेज कार चाहिए ना, ठीक है विंटेज का 4 लाख का है, उसके नीचे नहीं जाएगा, इतना तो तुम बार्गेनिंग में भी नहीं आओगे। देखते हैं इसके पास पैसा नहीं लग रहा है, ये ट्रैवल की तरह लग रहा है ना GT5 में। 3,39,000, ओके ये साइज से ले सकता है, बार्गेन करते हैं इसके साथ 3,99,999, ये साइज से नहीं लेगा, नहीं लेगा बोला था ना, इसके हिसाब से डोंट सेल कर देना ही इसको बेहतर है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ है यार, हम लोग ना 4 लाख में ये गाड़ी बेच चुके हैं, बहुत बार 3,32,000, नहीं इसको रख देंगे बाद में बेचेंगे, इतना भी जल्दी कुछ नहीं है। चार्जर चाहिए तुमको, डॉज चार्जर चाहिए, तो बोलो कितना दे सकोगे? 1,00,000 का गाड़ी है, 64,000, नहीं 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 भाई नहीं, इतना कम में चार्जर नहीं मिलता भाई। आप बोलो आप इस गाड़ी के लिए कितना दोगे? 1,36,000, 1,36,000 कुछ ज़्यादा कम नहीं हो गया? मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, तो हम इसके लिए आपको बार्गेनिंग करेंगे और बोलेंगे 1,50,000। देखो दे दो गाड़ी लेके जाओ, गाड़ी बढ़िया है, कंडीशन बढ़िया है, ओके ब्रो गुड जॉब, ऐसा कस्टमर हो तो दिन बन जाता है यार। अच्छा तो आप लोगों को ये वाला गाड़ी चाहिए, ओके ऑडी TS6, 3,50,000 दाम रखा है हमने, आपने 1,61,000 बोले हो, मेरे ख्याल से इतना ही दान हो सकता है, ठीक है 1,85,000 में लेके जाओ। ओके 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 गुड, आराम से बिक गया, पर मेरे को लॉस हुआ कि प्रॉफिट पता नहीं। आज का दिन खत्म हुआ, और आज के दिन ही
ही हम लोग 33,11,000 कमा लिया। और देखो कितना भीड़ निकल रहा है यार, निकलते ही गायब हो जा रहा है, पर बहुत लोग आए थे यार सब खरीदने के लिए। तो अभी चलते हैं हम अपने शोरूम चल के जाके सो जाएंगे, और कल सुबह फिर से आना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत सारी गाड़ी है। सभी गाड़ियों को बेच के हम लोग देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हमारा टोटल हुआ, क्योंकि इस दौरान हम लोग और गाड़ी खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि इस बार हमें सिर्फ गाड़ी बेचना है, उसके बाद हमें फिर से गाड़ी खरीदना है और फिर करना है बिजनेस। ओके, तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं कार वैन के पास। देखो हमारे पास इतने पैसे हैं, फिर भी हम सोते कहाँ हैं? देख रहे हो, मेहनत करते जाओ, फल की आशा मत करो, सब मिलेगा जो तुम्हारा है। ओके ओके ओके, ये होना ही था। गाड़ी का तेल खत्म हो गया गाइस, तो हम लोग उतर चुके हैं। अभी गाड़ी में तेल डालेंगे, उसके बाद गाड़ी में बैठेंगे, फिर गाड़ी को पीछे करके आराम से अंदर की तरफ लेके चले जाएंगे। तो चलो आ गए, हम सो जाते हैं और देखते हैं आज प्रॉफिट टोटल कितने का हुआ है, क्योंकि हम लोग के पास $2 लाख तो थे। ओके, आज हुआ 30,50,000 के करीब प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट ही बोलेंगे ना, ये कमाई होते हैं, क्योंकि वो गाड़ी भी तो हम लोग इन्वेस्ट करके खरीदे थे। तो हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट था, मतलब 30 लाख 31 लाख तक इन्वेस्टमेंट जो था, वो पूरा का पूरा रिकवर हो चुका है, क्योंकि हमारे पास जितना भी पैसा था हम लोग लगा दिए थे 32 लाख या फिर 31 लाख के आसपास जो भी था लगा दिए थे हम लोग। अभी एक बार हम लोग कार मार्केट होके घर ऑफिस जाएंगे, क्योंकि कार मार्केट में कभी कभार अच्छा खासा गाड़ी मिल जाता है जो कि प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है। तो अगर मिल जाता है तो सोचेंगे, पर मेरे ख्याल से वैसा गाड़ी कुछ ना रहा, मतलब महंगा गाड़ी या फिर रेयर गाड़ी नहीं रहा तो कुछ नहीं खरीदेंगे, हम चले जाएंगे, पूरा का पूरा गाड़ी का स्टॉक खत्म करेंगे, उसके बाद आएंगे। तो जैसा कि हम लोग सोचे थे, यहाँ पर वैसा कोई गाड़ी तो है नहीं, तो ठीक है फिलहाल चलते हैं अपने शोरूम पे। शोरूम चलने के बाद हम लोग करेंगे गाड़ियाँ सेल और कमाएंगे पैसे, बहुत सारे पैसे। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, नहीं देख के फायदा नहीं है हमें, अभी हमें बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए हमें यहाँ आना होगा और गाड़ियाँ बेचना पड़ेगा। अच्छा, ये गाड़ी तुम लेना चाहते हो, मर्सिडीज कूप है, 1,12,000 का। ये गाड़ी 1,12,000 में तो बिक ही जाता है, बिक भी जाएगा। हम इसको ऑफर करेंगे 1,11,999। ओके चलो देखते हैं, आराम से चला जाएगा यार। ओके चला गया, देखो तुमको भाई गाड़ी साफ करनी थी, तुमने गाड़ी साफ भी कर दिया, गुड जॉब। ये N2 चाहिए इसको, पिछला दिन भी आया था यही शायद से, पर ये पैसा उतना ज्यादा नहीं दे रहा है तो इसको डोंट सेल कर देंगे। तुम चाहो तुमको N2 नहीं बेचेंगे हम लोग, तुमको मस्टैंग चाहिए, बोलो मस्टैंग कितना दे सकोगे तुम मस्टैंग के लिए? 78,000। नो ब्रदर नो, इसके लिए तुमको देना पड़ेगा 1,05,000। देखते हैं ये क्या बोलता है। नहीं, ये नहीं देने वाला, डोंट सेल करना पड़ेगा इसको। अभी इसको देखते हैं ये कितना बोलता है। पेंटेड पार्ट रह गया, पेंटेड पार्ट कैसे रह सकता है यार, यहाँ पर कुछ दिखाई तो नहीं रहा है। 1,34,000, बार्गेन करते हैं। देखो ये तो मुझे 1,50,000 दे दो। ओके चलो 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 चलो, इसने ले लिया। अब तुमको ये गाड़ी चाहिए, तुम बोलो कितना दे सकोगे? इस गाड़ी का दाम ऑलमोस्ट $7 लाख है, तुम 3,40,000 देने के लिए राजी हो? मैं बार्गेन करूंगा तुम्हारे साथ, हमको $4 लाख चाहिए। तुम दे पाओगे तो गाड़ी ले जाओगे, नहीं दे पाओगे तो गाड़ी छोड़ जाओगे। कुछ गाड़ियां है जिसका उतना प्राइस नहीं है, हमें पता नहीं था इसलिए हम लोग ज्यादा देने की कोशिश कर रहे थे, अगर मिल जाए तो ये वाला गाड़ी 2 लाख में आराम से निकल जाएगा। चलो ये गाड़ी 2 लाख में निकल गई। ओके चलो ये गाड़ी निकल गई, इसको कौन सा वाला गाड़ी चाहिए देखते हैं एक बार। अच्छा और ATS 6 चाहिए, ये भी निकल जाएगा 2 लाख के आसपास में, मतलब 2,15,000 देखते हैं, 2,15,000 लेता है कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं लेगा, इसको 2 लाख ही देना पड़ेगा, 20,000 ही बढ़ा पाएंगे। 2 लाख डॉलर्स का ऑफर करते इसको, ये ले लेगा गाड़ी, ये ले लेगा। ओके चलो ये ले लिया, बहुत बढ़िया। अभी तो हमारे पास ऑलरेडी 39,000
39 लाख $72,000 हो गए हैं, और अभी बहुत सारा गाड़ी है मेरे पास। इसको बेचने के बाद हम तो आराम से 50 to 60 लाख डॉलर्स, मतलब 5 to 6 million डॉलर्स कमा ही लेंगे। तो देखते हैं ये कितना बोलता है। वह 4 लाख हमने दिया था, 1 लाख, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा कम बोल रहे हैं। इसके लिए हमें बोलना पड़ेगा 1,82,000। देखते हैं क्या होता है, ये ले लेगा। ओके चलो, ले लिया है इसने गाड़ी। और इसको देखते हैं, हमारे ट्रैवर को। ट्रैवर भाई कितना में लेना चाहते हैं? 4,32,000। बहुत बढ़िया दाम दिया है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ना 5 लाख का डायरेक्ट ऑफर करते हैं। 5 लाख ऑफर कर दिया हमने इसको, देखते हैं ये कितना में लेगा। ओके चलो, 5 लाख में ये गाड़ी तो बिक गई। मेरे पास 46 लाख डॉलर है, मतलब 4.5 मिलियन डॉलर्स। तो ठीक है, ये 3,04,000 बोल रहा है, डोंट सेल यार। ये 4 लाख में हम लोगों ने बेचा है, तो उतना ही कोशिश करेंगे इसको 4 लाख में बेचने की, तो हमारे पास 50 मिलियन हो जाएगी। तो ठीक है, ये 5 लाख हमने दिया था। एक सेकंड रुक जा भाई, एक सेकंड रुक जा, मेरे को टैब निकालने दे। ये वाला कौन सा वाला गाड़ी है, मैं भूल गया, एक बार देख लेने दो। 5 लाख का लगाए थे BMW N2, नहीं N2, N2 कितना में खरीदे थे? 40 40। ओके ठीक है, ठीक है, नॉर्मली नॉर्मली ठीक ठाक दाम आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको देखते हैं, 1,08,000 का, 1 लाख एक बोल रहा है। ठीक है, ये बिक जाएगा 1,07,999। देखते हैं, ये चला जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। ओके चलो, $1 कम किया, गाड़ी निकल गई है, गाड़ी बिक गई भाई। आपको देख के लग रहा है कि आप रिटायर्ड पायलट हो और आपके पास पैसा बहुत सारा होगा, फिर भी आप कंजूसी करते हो। ठीक है, ये गाड़ी ना हम आपको 1,88,000 में ऑफर कर, आपका चॉइस क्या बोलता है? नहीं यार, ये उतने से ज़्यादा नहीं जा रहा है। 1 लाख, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, रुक जा। 3,08,000 बोला था ना उसने, बोला है कितना? 1,44,000, 1,58,000, नहीं 1,60,000 शायद से ले लेगा। ओके चलो, ले लिया है गाड़ी। अभी बाकी गाड़ियों को ना उतना टेंशन नहीं लेते, नॉर्मली बेच देते हैं, एकदम टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। ये वाला बंदा आया है, ये वाला महंगा गाड़ी लेने, इसका मतलब हमारे पास अभी भी 5 मिलियंस होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला। ठीक है, हम आपको बोलेंगे 3,89,000, दे दो गाड़ी लेके जाओ, विंटेज कार है। ओके ब्रो, ऑलमोस्ट 4 लाख। इसके साथ ही हम लोग के पास हो चुका है 53 लाख डॉलर्स, 11,000, मतलब 53 लाख, 11,301 डॉलर। ठीक है, इस खुशी में आपको ना हम गाड़ी देंगे बहुत ही सस्ते में, पर आपके साथ बार्गेनिंग भी करेंगे 60,000। दो और गाड़ी लेके जाओ, लॉस करवा दिया यार। निकलो यार निकलो, और कौन खड़ा है, कहाँ खड़ा है? ओके बंदे आ चुके हैं, बोलो कितने में लेना है? 5 लाख तो हम लोगों ने ऑफर किया है। इसका 5 लाख दाम नहीं है यार, वो ईवी का 5 लाख दाम था। ये 1,05,000 ही बोल रहा है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, बार्गेन करते हैं। 1,25,000, 1,25,000। ठीक है, इसमें निकल जाना चाहिए गाड़ी। नहीं 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 निकला। 1,15,000 डॉलर्स। ओके चलो, ये गाड़ी निकल गई। मुझे सभी गाड़ी आज सेल करना है, तो मस्टैंग के लिए बंदे आए हैं, मस्टैंग को देखते हैं। एग्जैक्टली मस्टैंग 12 लाख डॉलर्स में बिक गया था, मतलब 1,12,000 डॉलर में, तो ये तो बिक जाना ही चाहिए। तो इसको हम ऑफर देंगे 1,07,000, देखते हैं क्या बोलता है बंदा। तो चलो, ये गाड़ी भी बिक गई, बहुत बढ़िया बात हो गई है। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी है, एक गाड़ी नहीं, दो गाड़ी है जो कि बेचने लायक है। हम बात करेंगे, 1 लाख दाम दिया हम लोगों ने, ये दे रहा है 64। ठीक है, एक सेकेंड, ये कितना दे रहा है देखते हैं, तुम कितना दोगे? 64 64 54, डोंट सेल। ये कितना दे रहा है देखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा जो देगा उसको रख के उसके साथ थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करके उसको गाड़ी दे देंगे। 62 वो दे रहा है, 64 तो तेरे को काहे दूँ मैं। चलो अब बोलो 64। हाँ ओके, हम आपको गाड़ी कम में दे देंगे, पर कम 64, 84 नहीं 82,000 में। ठीक है, आओ गाड़ी लेके जाओ, पैसा दे के जाओ। यार यार ये तो टेरिया निकला, चलो इसमें दे दो। चलो गाड़ी बिक गई, अब
अभी एक ही गाड़ी है जिस गाड़ी के पास कोई कस्टमर भी नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। 56 लाख डॉलर्स हो गए हैं मेरे पास, तो अभी इस खुशी में तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर आते ही अपने शोरूम का सारा गाड़ी बिक गया है, क्या बात है गाइज। हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था 30 लाख डॉलर्स, 56 लाख डॉलर्स हमारे पास अभी है, 20 लाख 50,000 का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब हम लोग बिजनेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो इसका दाम एक बार देख लेते हैं ताकि ज़्यादा बार्गेनिंग ना। तो इसका दाम हम लोगों ने रखे थे, ये वाला है डॉज चार्जर, ये हम लोग खरीदे थे 43,500 में, ठीक है, 44,000 पकड़ लेते हैं। तो अब बोलो ये कितना में दोगे? 44,000 का गाड़ी है, 80 के नीचे हम नहीं देने वाले। 50 यार का है, मेरे को इतना तरपा रहे हो यार। 65,000, देखो क्या बोलते हो, लेके चले जाओ? नहीं यार, नहीं जाने वाला। 60,000, देखो इसमें होगा तुम्हारा। नहीं यार, ये 50,000 के नीचे नहीं आ रहा, मतलब ऊपर नहीं जा रहा है। 58,000 में देखते हैं क्या यार, 58,000 में गाड़ी लेके जा रहा है, कोई तो लेके गया, तो जा कैसे रहा है ऐसे? ठीक है, अभी सभी की सभी गाड़ियाँ बिक चुका है मेरे दोस्त। तो अभी हम लोग अपने शोरूम को पूरा खाली कर चुके हैं, सभी गाड़ी बेचने की कोशिश में सभी गाड़ी बेच चुके हैं। और मेरा कोई स्किल पॉइंट अनलॉक हुआ है? नहीं, अभी भी तो नहीं, बहुत देरी है अभी स्किल पॉइंट अनलॉक होने में। तो फिलहाल को तो आज करते हैं अपना शोरूम बंद और चलते हैं अपना घर, सो जाते हैं और मज़े करते हैं, क्योंकि अगला दिन ऑक्शन हाउस खुला हुआ रह सकता है। अगला दिन ऑक्शन हाउस का है, तो देखते हैं ऑक्शन हाउस में क्या क्या गाड़ी हमें मिल सकता है। तो बाय द वे गाइस, अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो एपिसोड गेम प्ले आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर से लाइक करना इस वीडियो को, और अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि ऐसा वीडियो आए और आप मिस ना कर दो, आपको मिल जाए ऐसा वीडियो। ओहो ऐसे ही टूट गया, इसलिए बोलते हैं ना, बात करते करते कभी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। अपना पर्सन तो क्यों नहीं, क्यों ना उधर का था बात थी ना, डाउनलोड करो विंडो। तो इसीलिए इस बात में ही हम करते हैं इस गेम प्ले सीरीज का एंड, मतलब सीरीज का नहीं, आज का एपिसोड एंड, और चलते हैं सोने। तब तक के लिए गुड बाय।